सोलापुर जिले में इन दिनों सरकारी पॉलिटेक्निक कॉलेज बंद होने की आशंका के चलते हंगामा हो रहा है। ये कॉलेज बंद ना हो इसलिए पॉलिटेक्निक कॉलेज बचाओ कृति समिति की ओर से आंदोलन किया गया। सोलापुर के पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख के कार्यालय के सामने बड़ी संख्या में छात्रों ने इस आंदोलन को तब तक जारी रखा जब तक पुलिस ने उन्हें हिरासत में नहीं ले लिया। आज आम्ही हे जे आंदोलन केलेला आहे ते कॉलेज वाचवण्यासाठी आणि इंजिनिअरिंग कॉलेज सोलापूर जिल्ह्यामध्ये चालू व्हावं या गोष्टीसाठी केलेला आहे। तर या गोष्टीचा सरकारने सहानुभूतीपूर्वक व्यवस्थित विचार करावा, पालकमंत्र्यांनी मध्यस्थी करावी आणि हा जो काही पेच प्रश्न निर्माण झालेला आहे तो सोडवण्याचा प्रयत्न करावा। हे आंदोलन पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर केलेलं आहे। 6 तारखेला आम्ही विधानभवनात जाऊन मुख्यमंत्र्यांना हे एक निवेदन आणि पत्र दिलं होतं रिक्वेस्टचं की 10 तारखेपर्यंत आम्हाला निर्णय कळवा नाही तर आम्ही 11 तारखेला पालकमंत्र्यांच्या कार्यालयासमोर किंवा त्यांच्या घरासमोर आंदोलन करू। त्या पद्धतीनं आज आम्ही महात्मा फुले जयंतीचं म्हणजे शिक्षणा जिथे शिक्षणाची सुरुवात झाली त्याच दिवशी या स्वातंत्र्याच्या काळात आम्हाला शिक्षणासाठी रस्त्यावर उतरावं लागत आहे। या परिस्थितीत काय करायचं हा प्रश्न आहे। तरीही आम्ही तिथे शांततापूर्ण मार्गाने प्रतिमेचं पूजन करून हे आंदोलन केलं आणि जे काय असेल म्हणजे तिथे 10-15 मिनिटाचा आमचा तास भरलेला होता। विद्यार्थ्यांना काजळे सरांनी रिटायर्ड प्रिंसिपल त्यांनी मार्गदर्शन केलं आणि तेवढ्यात आम्हाला उचलून इकडे आणण्यात आलं। आपको बता दें कि महाराष्ट्र शासन ने सोलापुर में लगभग 7 राज्य स्तर के कुल 6 ठिकानों के तंत्र निकेतन बंद कर दिए और इस दरमियान उन ठिकानों पर अभियांत्रिकी पाठ्यक्रम शुरू करने की प्रक्रिया जारी है जिसका विविध स्कूल कॉलेज के विद्यार्थियों और उनके अभिभावकों के साथ साथ सामाजिक संस्थाओं ने इसका कड़ा विरोध किया है। पिछले कई दिनों से तंत्र निकेतन को बचाने के लिए विविध आंदोलन किए जा रहे हैं। इसी तरह मंगलवार 11 अप्रैल की सुबह दत्त चौक परिसर के पास पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख के ऑफिस के सामने छात्रों ने जमकर घोषणाबाजी की। स्थिति आपे से बाहर होता देख आंदोलनकारी छात्रों को पुलिस ने हिरासत में ले लिया। बहरहाल पालक मंत्री विजय कुमार देशमुख ने आंदोलनकारी छात्रों को मिलने का समय दे दिया है। ऐसे में ये देखने वाली बात होगी कि इस मामले का हल कब तक निकल पाएगा या फिर आश्वासन देकर मामले को एक बार फिर टालने की कोशिश की जाएगी। वीडियो जर्नलिस्ट सबरोज शेख के साथ जुल्फिकार वड्डो, इन 24 न्यूज सोलापुर।